साल हमारे आजादी के हो चुके, और इस मुकाम, ये इतना लंबा समय किसी भी देश के लिए और किसी भी काम के लिए पलट कर देखने के लिए मेरे ख्याल काफी होता है, इस बात का विश्लेषण करने के लिए कि हम जो पीछे हमने किया है और आगे का रास्ता हमें क्या अपनाना चाहिए। यदि हम देखें तो आजादी के वक्त का जो से शुरू करें और आज तक देखें, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सिंचाई हो, पेयजल हो, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, सब में हमको बजट लगातार इस पर खर्च करना पड़ा है और लगातार बढ़ाना पड़ा है। इन 75 सालों का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन कर लें कि 75 साल पहले हमारे गांव में पानी का कैसा संकट था, मात्रा का कैसा संकट था, मात्रा की क्या स्थिति थी, गुणवत्ता की क्या स्थिति थी, कितने नीचे से गहरे से पानी निकालते थे, हमारी नदियों की, हमारे तालाबों की क्या स्थिति है, और आज 75 वर्ष बाद क्या स्थिति है, यदि दोनों को सामने रखें, मैं सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा इस पर डिटेल में आंकड़ों पर जाने की शायद जरूरत नहीं है कि हमारी पानी की निरंतर गहराई जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत नीचे से हमें लगातार पानी निकालते जा रहे हैं। गाँव में पेयजल का जो निश्चित तौर पे पानी की सुविधाएं अब जरा नजदीक आ गई हैं, लेकिन यदि उनकी गुणवत्ता का मसला देखें तो वो और बढ़ा है। हमारी नदियों की स्थिति देखें तो वो और बढ़ी है। हमारी सिंचाई योजनाओं में खासतौर पर यदि हम देखें कि महाराष्ट्र, जहाँ भारत का जो सरकार का जो बजट है, जो केंद्र से बजट जाता है खासतौर पर, वो सबसे ज्यादा बजट उस राज्य में गया है। बांधों को देखें, नहरों को देखें, वहां सिंचाई को लेकर क्या पिछले कुछ सालों में यदि देखें तो क्या हो गया। ये तमाम प्रदेश पर, ये शायद हम इस निष्कर्ष पर, मैं बहुत लंबी डिटेल से बात नहीं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि हमने जो जो मर्ज की त्यों त्यों जो जो दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया, शायद वो स्थिति। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं खर्च हुआ, पैसा खर्च हुआ है, योजनाएं खूब बनी है, पूरा ढांचा इस पर लगा है, बहुत सारे विभाग इस काम में लगे हुए हैं, बावजूद इसके आज यदि ये स्थिति है और हम लगातार चिंतित है कि आगे क्या, खास तौर पर जो तापमान में बदलाव है, मौसम में जो अलग तरह का बदलाव है, वर्षा की जो फ्रीक्वेंसी एकदम से घटती चली जा रही है और अचानक से आती है, ये सारी जो स्थिति है कि पहले तो था धीमी, 4 महीने का चौमासा था, बारिश धीरे धीरे आती थी और धरती के भीतर जज होती थी और वो रिचार्जिंग प्रोसेस चलता रहता था। अब यदि वो 4 महीने में 10 बार आएगी सिर्फ और झोंके से आएगी और बहके चला जाएगा और रिचार्ज होगा नहीं, तो जो जो रिचार्ज का और डिस्चार्ज का जो संतुलन है वो लगातार बिगड़ रहा है। ये सारी स्थितियां क्यों हैं और इस पर यदि हम विचार करते हैं तो मुझे जो समझ में आता है, मेरी अपनी जो बुनियादी समझ है, कि एक तो लंबे अरसे के बाद लोगों ने मान लिया है जो कुछ करेगी सरकार करेगी, लोगों के जहन में बैठ गया है कि पानी सरकार पिलाएगी, नेताजी जो है जो कुछ होंगे वो हमको, हम हमारी तकलीफ होगी हम उनसे कहेंगे, वो उनको सॉल्व करेंगे। ये जो स्थितियां पनपी हैं, ये एक तरह से गांव परावलंबी हो गया है पानी के मामले में भी, मैं ये बात सबको इसे कहना चाहता हूँ। और इन स्थितियों का एक ये भी सच है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी ढांचा हो, क्योंकि भारत एक विविध देश है, एक अलग ज्योग्राफी है, एक अलग कल्चर है हर राज्य का, अब इन सबकी बीच में यदि स्थितियां जो हैं वो ये हैं कि हमारा देश एक बहुत डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर्स मांगता है, जो उसके वाटर रिचार्ज के या उसकी तमाम चीजों के, और अलग कल्चर है, अलग जरूरतें हैं हर इलाके की, तो हर जगह एक अलग जरूरत है। तो खास तौर पर जो लोकल वाटर मैनेजमेंट का मसला है वो बिना गवर्नेंस के चलेगा नहीं। बिना गवर्नेंस का मतलब ये है कि जिसको पानी पीना है वो उसमें लगे ना, वो उसकी जिम्मेदारी लेना, यदि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। मैं आपको थोड़ा सा एक बिंदु में और इस बात को क्लियर करता हूँ कि देखिए, मनरेगा में देश में चारों तरफ बहुत तालाब बने, खूब काम हुआ है मनरेगा के भीतर, यदि देखें तालाबों पर खासतौर पर बहुत काम हुआ है। अब तालाबों के यदि डिजाइन देखेंगे आप जाकर, या अमृत सरोवर में बहुत ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है तालाबों का, लेकिन आप देखेंगे कि उन तालाबों में पानी है क्या, पानी आने के रास्ते भी बचे हैं कि नहीं बचे, तो ये गलती कहाँ हो रही है? यदि स्ट्रक्चर ठीक नहीं बन रहे हैं, साइड सिलेक्शन ठीक नहीं हो रहे हैं, तो गलती कहाँ हो रही है? इसका मतलब यह है कि जो वहां मौजूद है, जो जानता है कि कहाँ कैसा डिजाइन बनना, कहाँ तालाब बनना ठीक है, पानी जितना है उसमें जीवन हमको चलाना है, यदि जैसलमेर के रामगढ़ में सबसे कम बारिश होती है और उनका जीवन चलता है,
वहां पानी को लेके आत्महत्याएं नहीं होती है, तो इसका मतलब यह है कि पानी पानी जितना है उसमें जीवन चलाना भी आना चाहिए, और जितना भगवान जी ऊपर से बरसाते हैं उसको बेहतर तरीके से धरती के भीतर जज करना और सलीके से अनुशासन से निकालना, तो ये करना तो गाँव को है ना। जिसको पानी पीना है, जिसको सींचना है, जिसको अपनी फैक्ट्रियां चलाना है, करना तो उसको है, तो जाहिर है कि वो जिम्मेदारी जवाबदेही उस पर सौंपनी होगी, इसलिए पानी का गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम कहें कि सरकार ने कोशिश नहीं की, नहीं सरकार ने कोशिश की, सरकार ने जन भागीदारी शब्द का बड़े पैमाने पर इसमें प्रयोग किया और बहुत जगह रोल दिया, बहुत जगह भूमिका दी। यदि हम देखें तो हमारी संविधान ने भूमिका दी, यदि हमारी पानी की पंचायतों में जल समितियां हैं तो वो उसी रोल में है, उनकी वही भूमिका है। संविधान यदि कहता है कि पेयजल का प्रबंधन पंचायत की जिम्मेदारी और कर्तव्य है तो रोल तो है, लेकिन वो रोल नीचे जमीन पर उतर नहीं रहा है। तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता था तीसरी सरकार अभियान को, खासतौर पर कि आपने एक इतनी महत्वपूर्ण बात उठाई है कि उसके बगैर चलेगा नहीं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मैंने इस पर कई दस्तावेज लिखे और सरकारों को भी भेजे कि कम से कम जो गांव की पंचायत के का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ग्राम पंचायत का, उसकी जिम्मेदारी उन्हें दे दो। तमाम योजनाओं के बीच और तमाम विभागों के बीच आपस में कोई तालमेल हो नहीं पाता है, एक ही विभाग एक चीज पे पैसा खर्च करता है, एक ही विभाग दूसरा विभाग भी उसी पे खर्च कर देता है कुछ और करने के लिए। तो ये जो इतना सारा पैसा खर्च होने के बावजूद, इतनी मशक्कत के बावजूद चीजें नहीं हो रही, तो हम बेहतर ये हो कि हम हर गांव को इकाई माने, मतलब हर ग्राम पंचायत को इकाई माने, और हर ग्राम पंचायत के पास जो जल समिति है उसको जिम्मेदारी सौंपें, जवाबदेही सौंपें, और उसको क्रियान्वयन की भूमिका भी सोचें। वो तय करे कि उसे क्या करना है, पानी उसे पीना है, और ये भी तय करें कि भाई वो खुद तय करे कि इससे नीचे धरती में नहीं जाना है, जब तक कोई बड़ी आपदा ना हो जाए उससे नीचे से पानी नहीं निकालना है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, इन स्थितियों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम नगरों में नगर निगम और पालिकाओं को और गांवों में गांव की जो जल समितियां हैं उनको वो जिम्मेदारी सौंपें। लेकिन उससे पहले, जैसा प्राण साहब अभी जिक्र कर रहे थे, हमारी जितनी विकास समितियां हैं जो हमारी पंचायत के अधीन होती हैं, मतलब कई जगह तो ये स्थिति है कि विकास समिति के सदस्यों को ये नहीं मालूम कि मैं किस विकास समिति का सदस्य हूँ, अध्यक्ष को ये नहीं पता कि किस विकास समिति का अध्यक्ष हूं, मैं शिक्षा का हूं कि स्वास्थ्य का हूं कि जल का हूं कि किसका हूं। तो उनको उस भूमिका के लिए तैयार करना और उनको वो जिम्मेदारी सौंपना, आप देखेंगे। और ये मैं इस कोई इसमें ऐसी बात नहीं कह रहा जिसको आप कल्पना करें, देश में जो स्वयंसेवी स्तर पर जिन गांवों में दिक्कत आई और जिन गांवों ने खुद कर लिया, ऐसे उदाहरण गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में, तमाम इलाकों में है, दक्षिण के इलाकों में, कि लोगों ने कर लिया, उन पर संकट आया तो कर लिया। तो उस संकट का एहसास भी कराना और जिम्मेदारी का एहसास कराना इसके लिए जरूरी है कि जवाबदेही धीरे धीरे इन स्थानीय जो सरकारें हैं इनको सौंपें, और सरकार जो केंद्र की और राज्य की सरकारें अपने को थोड़ा थोड़ा पीछे करते जाए, अपने को तकनीकी और आर्थिक भूमिका में, सहयोग की भूमिका में, और जहां मांग हो वहीं पर सहयोग की भूमिका में रखते जाए। आप देखेंगे कि एक दिन लोग कर लेंगे। भारत में यही हुआ है, जब ये सब नहीं थी, हमारे हमारे नल नहीं थे, हमारे हैंडपंप नहीं थे, जीवन चलता था। ये सही है कि अब आबादी बढ़ गई है, जरूरतें बढ़ गई हैं, मांग बढ़ गई है, लेकिन लोग कर लेंगे, इतना भरोसा है देश की कि परंपरागत ज्ञान पर, भारत की संस्कृति पर हमें होना चाहिए। बस इतनी सी बात कहता हूँ, फिर आगे कभी इस पर डिटेल में कोई बात होगी तो आगे